हाँ जी, आज की वीडियो है जी गेट रेडी विद मी। आप मेरा फेस देख के समझ ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं जी स्किन केयर, जिसके लिए मैंने करंटली जो स्किन केयर मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी वीडियो भी पोस्ट की है। रोज़ वाटर का स्प्रे किया, देन सीरम यूज़ किया, ये स्विस ब्यूटी का सीरम है। सीरम के दो दो ड्रॉप्स मैंने दोनों तरफ लगाए ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। पूरा जब सीरम स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा 1 या 2 मिनट में, उसके बाद हम यूज़ करेंगे जी मेकअप। मेकअप में सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर, यह है जी स्विस ब्यूटी का प्राइमर। तो अच्छा खासा मैंने भर भर के सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाया ताकि पोर्स जो है वो बंद हो जाएं। और रिसेंटली मैं अपने फेस के ऊपर जो है सफोरा का ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और पूरी अच्छी खासी कवरेज देता है। ये 20N इसका शेड है और स्किन से बहुत अच्छे से मैच करता है। एक फिंगर से पूरे फेस और नेक कवर हो जाती है, तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं सेकेंड परचेज़ भी इसी की ही करूँगी जल्द। और जी गीला ब्यूटी ब्लेंडर लिया, उसको निचोड़ लिया, देन पूरे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। अभी बारी आती है जी कंसीलर की। कंसीलर है स्विस ब्यूटी का और अंडर आई के नीचे मैंने लगाया क्योंकि आईज थोड़ी सी डार्क लग रही थी मुझे एज़ कम्पेयर टू फेस। तो मैंने अपने फेस को ब्राइटन अप करने के लिए कॉर्नर्स पे जो है कंसीलर यूज़ किया ताकि स्किन थोड़ी ब्राइटन अप लगे, क्योंकि हम वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कर रहे हैं ये। और जी उसके बाद मैंने इसको कर दिया है ब्लेंड, छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है अंडर आई के नीचे। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। आईज़ का मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए पहले कंसीलर लगाया ताकि आईलिड्स इवन आउट हो जाएँ और आई शेडो जो भी लगाएंगे उसका कलर अच्छे से निकल के आ जाए। ब्लेंड करने के बाद जी हम इसको लॉक करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। फेस वाला कॉम्पैक्ट पाउडर ही है जी, तो उससे मैंने इसको अच्छे से जो है कवर कर लिया है। देन उसके बाद हमने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और आई शेडो पैलेट यू मैं यूज़ कर रही हूँ, यह है स्विस ब्यूटी का, काफ़ी पुराना है मेरे पास। डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने इसका और आईज़ के जो है क्रीज़ के ऊपर इसको लगाना स्टार्ट कर दिया। बस कुछ नहीं करना है, टू एंड फ्रो में आपको घुमाते जाना है ब्रश को और इससे काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट होता है। ब्राउन कलर लगाने से आईज़ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। देन उसके बाद हम सेंटर ऑफ द आई लगाएंगे कोई भी हाइलाइटर या आई शेडो। मेरे पास आई शेडो नहीं है तो मैं हाइलाइटर ही यूज़ कर रही हूँ, शैम्पिन कलर का है ये और सेंटर में मैंने इसको लगाया। ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से लगा सकते हैं। मेकअप का मतलब है कि आपको जैसे भी आता है आप मेकअप कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा कम लगाइए और ब्लेंड अच्छे से कीजिए तो मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा ही होएगा। स्किन टोन के साथ का ही कलर हमें चूज़ करना होता है फाउंडेशन के लिए, एक टिप है। उसके बाद जी सेकेंड टिप है कि आईब्रोज आप मस्कारा के साथ बना के देखिए, काफ़ी अच्छी और भरी भरी आईब्रोज बनती हैं। तो मैंने अभी इसी को जो है यूज़ किया है आईज़ के ऊपर और दो काम कर रही हूँ मैं एक मस्कारा से। फिर हम जी लेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर और पूरे बेस को सेट कर लेंगे कि क्रीजेस ना आए। और उसके बाद मैं ब्लू कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना है आईज़ के ऊपर, मेरी ड्रेस डार्क कलर की है। फिर मैंने लिया ब्लैक आई शेडो, आईलाइनर लगाने का कोई मन नहीं था तो मैंने आई शेडो लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया और इससे जो है थोड़ा इफ़ेक्टिव लुक आएगा आईज़ का और इस थोड़ा स्मोकी लुक लगेगा। तो इसको हम स्मोक आउट करेंगे, पूरे को ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। मैंने मिरर में देख के जो है ब्लेंड किया है क्योंकि मोबाइल में इतना पता नहीं चल रहा। सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की, से मेकअप थोड़ा सेट रहेगा। फिर यूज़ किया ब्लश, शुगर कॉस्मेटिक का कॉरल ब्लश है ये, काफ़ी अच्छा लुक देता है। फिर हाइलाइटर, ये भी शुगर कॉस्मेटिक का ही है। फिर हम यूज़ कर रहे हैं जी स्विस ब्यूटी का लिप क्रियॉन और यह है जी फाइनल लुक। और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो यह है जी पूरा आउटफिट मेरा और हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मुझे वीडियो शूट करके काफ़ी अच्छा लगा, आपको देख के अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर। एंड बाय बाय।